हेलो एवरीवन मैं हूं अनंत एंड वेलकम टू माय चैनल का विदेशी आज मेरे साथ मेरे बहुत ही ख़ास वर्क कली मेरे साथ ये वीडियो ज्वाइन करने वाले हैं उसका नाम जिमी है वो भी मेरी तरह एक कार एंथजिया है और आज हम उसकी एक नहीं बल्कि दो दो हैवीली मॉडिफाइड 2004 मिनी कूपर एस रिव्यू करेंगे वो आप देख सकते हैं पीछे अभी हमने उसकी कार वॉश की है थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस है इसलिए वो खाली बैकग्राउंड में रहना चाहता है रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिमी से मिलाना चाहता हूँ तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं ये बेसिकली एक टू डो कॉम्पैक्ट हैचबैक स्पोर्ट्स कार है 2014 तक मिनी कूपर सिर्फ टू डो वर्जन में ही मिलती थी लेकिन अब फाइव डो ऑप्शन में भी अवेलेबल है अगर साइज की बात करें तो ये स्पेसिफिक मॉडल पुरानी 2010 मारुति स्विफ्ट के साइज जितनी है डिमी ने इस कार में काफ़ी मॉडिफाइड एक्सटीरियर पार्ट्स लगाए हैं जो इस कार को काफ़ी अग्रेसिव लुक देती है टू में एल हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स नहीं इंट्रोड्यूस हुए थे ओनली हेलोजन एंड जेनॉन बल्ब ऑप्शन के साथ ही ये कार आती थी इस कार में फ्रंट साइड एंड रियर में आफ्टर मार्केट बम्पर पॉइलर्स या साइड स्कर्ट्स भी बोल सकते हैं अटैच किए गए हैं विथ सेवनटीन इंच एनकाई के लाइट वेट स्पोर्ट अलॉय व्हील्स जो कार को बहुत ही स्पोर्टी लुक देती है फ्रंट बॉनेट में मल्टीपल एयर इनटेक वेंस है जो इंजन को ओवर हीट होने से प्रिवेंट करती है मिनी कूपर की एक और एक खास बात है उसकी रूफ सपोर्ट फ्रेमलेस डिजाइन जिसे एक लैंडस्केप विंडो स्टाइल लुक आती है मैक्सिमम फ्यूल टैंक कैपेसिटी काफी इंप्रेसिव 50 लीटर्स है फॉर सच अ कॉम्पैक्ट का चलिए अब इंटीरियर्स के बारे में कुछ बात करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं जस्ट लाइक एक्सटीरियर्स इंटीरियर्स में भी डिमी ने काफी चेंजेस किए हैं स्टीयरिंग व्हील ओरिजिनल मिनी कूपर की है बट फ्यूचर मॉडिफिकेशन प्लान में ये भी चेंज हो जाएगा का को जितना हो सके लाइट वेट करने की कोशिश की गई है जैसे एक्स्ट्रा इंसुलेशन पैडिंग फ्लोर मैट डो पैनल सब हटा दिए गए हैं जिससे का, का वेट 40 से 50 किलो और कम हो जाता है ये सब कुछ लाइट वेट पार्ड जैसे एल्यूमिनियम एक्सलरेटर पेडल्स एल्यूमिनियम फ्लोर से रिप्लेस कर दिया गया है इनफैक्ट गियर हैंडल भी कस्टम मेड है इस कार में सीट्स के बिना तो ये कार इनकम्प्लीट होगी तो डीमी ने इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी है सुपर स्पोर्टी लाइट वेट बकेट सीट्स फिट किए गए हैं टू तो सेव एक्स्ट्रा दस किलो ये सीट्स आपकी ऑर्डनरी कार सीट्स के कंपैरिजन में काफी अलग है एक बार घुस गए तो आप एक ही पोजीशन में फिक्स हो जाते अब बढ़ते हैं बूथ स्पेस की तरफ ट्रंक और बूथ स्पेस ओरिजिनली मॉडिफिकेशन के पहले हंड्रेड एंड सिक्सटी लीटर्स ही था विद स्मॉल रियर सीट्स लेकिन ये रियर सीट्स को हटाकर बूथ स्पेस अराउंड सिक्स हंड्रेड लीटर हो गया है खाली ये नहीं लाइट वेट का बैटरी भी यूज किया है जो एडिशनल सिक्स किलोस वेट सेव करती है इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करें तो वो भी कम्प्लीटली निकाल दिया गया है 2004 की मिनी दो इंजन ट्रिम ऑप्शंस में अवेलेबल थी कूपर एंड कूपर एस जो ये मॉडल है इस कार में 1.6 लीटर फोर सिलेंडर सुपरचार्ज इंजन है विच ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड 168 एंड सिक्स एट ब्रेक हॉर्स पावर विदीड मैनुअल ट्रांसमिशन लेकिन आफ्टर मल्टीपल मॉडिफिकेशन एंड चिप ट्यूनिंग ये सेम इंजन अब टू हंड्रेड ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करती है ये एक मिनी रॉकेट ही समझ लो आप इंजन मॉडिफिकेशन की लिस्ट काफी लंबी है तो मैं आपको कंप्लीट लिस्ट आगे वीडियो में शेयर कर दू अब एक छोटा सा ड्राइव लेते हैं और पैरली कार के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा डिमी ने ये कार 2018 में यूज्ड कंडीशन में फॉर अराउंड 6000 थाउजेंड यूरोज खरीदी थी और आज आफ्टर ऑल मॉडिफिकेशन इस कार की एक्चुअल वैल्यू अराउंड 15000 से 16000 थाउजेंड यूरोज हो गई है सो so, अगर आपको अपनी कार मॉडिफाई करनी है तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि मॉडिफिकेशन आर नॉट चीप जर्मनी में कार मॉडिफिकेशन के काफी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं जो भी पार्ट आप कार में लगाओ वो सर्टिफाइड होने चाहिए वैलिड सर्टिफिकेशन नंबर अदरवाइज उसको इलीगल माना जाता है और पुलिस आपकी कार सीज भी कर सकती है एवरी टू ईयर्स जर्मनी में कार्स को एक मिनिमम रोड वर्दी सर्टिफिकेशन टेस्ट करना पड़ता है पास होने के बाद ही आप कार को रोड पे चला सकते हैं ये कार अराउंड एक लाख पचास हजार किलोमीटर अब तक चल चुकी है तो इंजिन मेंटेनेंस थोड़ा हाई साइड पे है छोटा मोटा रिपेयर वर्क चलता रहता है सो ये बात आप भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आप अपनी कार को मॉडिफाई करना चाहते हो तो जैसे मैंने पहले कहा था कि कार की मॉडिफिकेशन लिस्ट काफ़ी लंबी है तो मैं फॉर रेफरेंस सब मॉडिफ़िकेशन यहाँ बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं डिमी इसे डेली ड्राइवर की तरह नहीं यूज़ करते बेसिकली इसे वो वीकेंड में या फिर कोई वन डे रोड ट्रिप में यूज़ करते हैं राइट कंफर्ट के बारे में बोलना अनफेयर होगा क्योंकि ये एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार है जो रेस ट्रैक के लिए या फिर छोटा सा रोड ट्रिप के लिए बनी है बट स्टिल कंफर्ट इतनी भी बुरी नहीं है हाँ राइट थोड़ा सा हार्ड साइड में है सो लॉन्ग जर्नीज विद स्पोर्ट बकेट सीट्स के साथ एडवाइसेबल नहीं होगा ऑल्सो वेट सेविंग की वजह से पैडिंग इंसुलेशन हटा दिए थे उसके वजह से इंटीरियर्स में वाइब्रेशन्स थोड़ी बढ़ जाती है कहा कि ओरिजिनल वेट 1400 हंड्रेड किलोज थी लेकिन आफ्टर मॉडिफिकेशन और चेंजेस अब 1100 सौ किलो के बीच में है और फ्यूचर में डिमी और भी मॉडिफिकेशन करेंगे जिससे ओवरऑल वेट और भी कम हो जाएगा चलिए अब कहा कि एक्चुअल इंजिन नॉइज़ सुनते हैं स्पेशली जो आफ्टर मार्केट कंप्रेसर फिट किया है उसकी आवाज़ कुछ अलग ही है

दोनों ही 2004 मिनी कूपर एस मॉडल पे बेस्ड है ये वाली कार डिमी की ब्लू वाली मिनी से एक लेवल ज्यादा ही मॉडिफाइड है ब्रेक्स हो या व्हील्स सब कुछ लाइटवेट मटेरियल से मॉडिफाई किया गया है इस कार का, का रेयर पॉइलर भी काफी बड़ा है एंड ये एक प्रॉपर रेसिंग कार की तरह ही मॉडिफाई की गई है बॉडी फ्रेम सिमिलर है विद सेम लैंडस्केप स्टाइल विंडो डिजाइन फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें भी 50 लीटर है और लाइट वेट होने के कारण टोटल रेंज अराउंड 500 किलोमीटर आराम से रीच कर लेती है इंटीरियर में एक मेजर डिफरेंस है ये ग्रीन कलर के पाइप्स इसे बेसिकली रोल के एज बोलते हैं जिससे का बॉडी स्ट्रक्चर और स्टिफ हो जाता है और कार की कॉर्नरिंग एंड हैंडलिंग केपेबिलिटीज़ काफ़ी शार्प एंड सेंसिटिव हो जाती है सेंसिटिव का मतलब है कि आप थोड़ा सा स्टीयरिंग व्हील घुमाएंगे एंड का बॉडी स्ट्रक्चर इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेगा विदाउट फ्लेक्सिंग उसके साथ आपको स्पार्को के सुपर लाइट वेट स्पोर्ट स्टीयरिंग व्हील्स भी इस कार में मिलेंगे इस कार में भी सिमिलर वेट रिडक्शन मेजर्स लिए गए हैं पैडिंग फ्लोर मैट एंड डोर पैनल सब कुछ निकाल दिए गए हैं गियर नॉब स्टिक भी कस्टम मेड है टू सेव वेट और सिमिलर टू ब्लू वाले मिनी कूपर इसमें भी सिमिलर स्पोर्ट बकेट सीट अटैच है बूट स्पेस ओरिजिनली 160 एंड लीटर ही था बट मॉडिफिकेशंस के बाद विथ रोल केज आपके पास अराउंड 450 हंड्रेड लीटर ही बच जाती है जनरली ये बूट स्पेस लगेज के लिए नहीं इनफैक्ट रेसिंग टायर्स के लिए रखी गई है जब आप रेस ट्रैक में होते हो तब आपको अलग रेसिंग टायर्स लगाने पड़ते हैं जिससे हैंडलिंग और इम्प्रूव हो जाती है इन्फरटेनमेंट सिस्टम में कुछ भी अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट फ्यू स्विचेस जो विंडोज ए और फॉग लाइट्स को कंट्रोल करती है अब एक रियली really छोटा सा ड्राइव लेते हैं क्योंकि ये कार का रोड सर्टिफिकेशन चेक करना बाकी है तब तक हम इसे मेन रोड या फिर हाईवे पे नहीं चला सकते ये हम वापस गैरेज में ले जा रहे हैं जो 200 हंड्रेड मीटर ही वीडियो शूट की जगह से दूर थी अब इस कार की खुद की एक अलग मॉडिफिकेशन लिस्ट ये वाली कार अराउंड 220 हंड्रेड ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करती है जो कि 20 ब्रेक हॉर्स पावर ब्लू वाली मिनी कूपर से कम है लेकिन ये 100 से 150 फिफ्टी किलोज ज्यादा हल्की है जिसका टोटल वेट अराउंड थाउजेंड किलोज हो जाती है अब थोड़ा सा इंजन और एग्जॉस्ट साउंड का मजा लेते हैं और इस अमेजिंग एक्सपीरियंस को आज के लिए यही ख़त्म करते हैं और फ़ाइनल वर्डिक के तरफ बढ़ते हैं फाइनली शॉर्ट वर्डिक्ट क्या आप ये फैमिली कार की तरह यूज कर सकते हैं कंफर्ट और स्पेस बिल्ड क्वालिटी इंजिन और गियरबॉक्स एंड फाइनली ओवरऑल स्कोर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जैसे सब यूट्यूबर्स बोलते हैं लाइक करे शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट करे और नोटिफिकेशंस uh, के लिए बेल आइकन प्रेस करें सो so दैट अगर मेरे कोई भी नए वीडियोस आ रहे हैं फ्यूचर में तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिले और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपको अच्छा लगा ये रिव्यू के बारे में क्या नहीं अच्छा लगा क्योंकि जो चीज़ नहीं अच्छी लगी होगी वो मैं ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश इट so ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम